बात करेंगे उत्तराखंड के ऐसे चैंपियन की जो हमेशा विवादों में रहता है। पूरा नाम है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। कुंवर प्रणव सिंह का एक बार फिर से शर्मसार करने वाला कारनामा सामने आया है, जिससे देवभूमि के लोग काफी आहत है। दरअसल इस बार ये विवाद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह और विधायक उमेश कुमार के बीच का है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने उमेश कुमार के परिवार के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है, विधायक उमेश कुमार की मां को अपमानित करने का काम किया है। कुंवर प्रणव सिंह का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो विधायक उमेश कुमार के परिवार के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चलिए अब आपको पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह का पूरा वीडियो सुनाते हैं, जिसमें वो खानपुर से विधायक उमेश कुमार और उनके परिवार को अपमानित कर रहे हैं। कमलेश जी, तुम्हारी माता जी जब तीतरों में नर्स थी तो तुम्हारे तथाकथित पिता जगदीश उनको भगा करके लाए थे और कहां रहे थे, मिलक दादरी में। जगदीश जी जो तुम्हारे फादर, अब फादर की बात आ गई तो वो देखना पड़ेगा भाई, कितने बाप है तुम्हारे। तुझे जल्दी बता दूंगा, तेरी गाड़ी से खींच करके तुझे धोया जाएगा, ठोका जाएगा सड़क पे। आज ये बात तैयार हो रही है, मुझे लोग कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई, हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वो मानेंगे नहीं। यू आवर कंट्रोल से बाहर हो रहा है, कह रहा है इसका इलाज करेंगे। कमलेश जी, तुम्हारी माता जी। तो ये वीडियो आपने देखा, उमेश कुमार की मां के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहा है। इस पर खुद उमेश कुमार की क्या प्रतिक्रिया है? फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं खानपुर से विधायक उमेश कुमार जी। उमेश कुमार जी, बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में आपका। ये वीडियो हम देख रहे हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का, जिसमें आपके परिवार के लिए काफी अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, क्या है कि राजनीति को मैं 25 सालों से देख रहा हूं, क्योंकि मैंने विधायक बनने से पहले मैं पत्रकार ही रहा हूं। जी, मैंने अपनी राजनीतिक जीवन में कभी किसी भी नेता को किसी के परिवार के लिए, किसी की माँ के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके के लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी में रखा हुआ। ये वही व्यक्ति है जिसने उत्तराखंड को बहुत ही बुरी और अपशब्दों में गाली दी थी, जिसके चलते पूरे उत्तराखंड में उबाल आया था, देवभूमि में उबाल आया था, और इनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था। माँ सभी की पूजनीय होती है, मेरी माँ मेरे लिए भगवान है, और मुझे लगता है आपकी माँ भी आपके लिए भगवान होगी। लेकिन किसी की माँ के लिए नीचता के आखिरी पायदान पर जाकर उसको ये कहना कि वो 4-4 आदमियों के साथ रही हैं और वो भाग गई थी, कैसे शब्द हैं? आप सोचिए, ऐसी राजनीति क्या करनी जिस राजनीति में जाकर किसी के गिरे हुए घुंडेपन को इस स्तर पर जाकर देखना पड़े। मेरी जगह कोई और होता तो अब तक इनको इनका इलाज कर चुका होता, लेकिन क्या है कि हम लोग राजनीतिक मर्यादा में बंधे हुए हैं, अपने सामाजिक मर्यादाओं में बंधे हुए हैं, और संयम मुझे लगता है हर व्यक्ति को बरतना चाहिए, क्योंकि ये मुझे गाली दे रहे हैं, मैं इनकी माँ को गाली दूँ, ये मुझे शोभा नहीं देता। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए कि इस तरीके के गालीबाज लोग जो इनकी पार्टी की छवि को पूरे देश भर में खराब कर रहे हैं, इनको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए तत्काल प्रभाव के साथ, वरना इनके खिलाफ जो है, इनकी पार्टी के खिलाफ जो है मोर्चा खोला जाएगा। जी उमेश जी, ये नौबत आई क्यों है? क्या लगता है आपको, क्यों ये वीडियो बनाकर ये कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन आपके परिवार को गाली दे रहे हैं? सर, ये नौबत आई क्यों है? देखिए, क्या है कि 20 साल से लगातार वो 4 बार विधायक रहे, इस बार वो एक निर्दलीय से 10,000 वोटों से हार गए। ये हार वो पचा नहीं पा रहे। उन वैसे भी ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको मानसिक उपचार की जरूरत है। कभी ट्रक वाले पर गोली चलाते हैं, कभी रोडवेज की बस वाले पर गोली चलाते हैं, कभी होटल पोलारिस में रुड़की में गोली चलाते हैं, कभी मगरमच्छ मार देते हैं, कभी मंत्री जी के घर पर गोली चला देते हैं। तो ये बेसिकली मानसिक विकलांग व्यक्ति है और भारतीय जनता पार्टी पर ये बोझ है, और ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। सबसे बड़ी समस्या ये है। सर, आप ये कह रहे हैं उमेश जी कि राजनीतिक मर्यादा के चलते आप उन्हें जवाब नहीं देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ विकल्प तो आप निकालेंगे ना, कैसे ना कैसे करके जवाब तो देंगे ना, क्योंकि वीडियो आज जारी किया है उन्होंने। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, मैंने डिफेमेशन का केस उन पर फाइल कर दिया है, गवाहियां शुरू हो गई हैं, और जल्दी से जल्दी कानून के माध्यम से मैं इनको जवाब जरूर दूंगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मीडिया जगत उनको इस बात के लिए आगे आकर जवाब दे रहा है कि किस तरह शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए, कैसे किसी एक व्यक्ति को एक
बड़े बड़े अपराधी आपने उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में देखे होंगे, लेकिन कभी बड़े से बड़ा अपराधी भी किसी दूसरे की माँ को गाली नहीं देता, उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। तो जब डकैतों में, बदमाशों में, माफियाओं में भी दूसरों के परिवारों के प्रति संयम और मर्यादा रहती है, तो इनके जैसे व्यक्ति को क्यों नहीं है? ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मुझे लगता है कि इनको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। बहुत ही शर्मनाक कृत्य है और मैं तो अनुरोध करना चाहूंगा नड्डा जी से भी, अमित शाह जी से भी और मोदी जी से भी, क्योंकि मोदी जी अपनी माँ को बहुत मानते हैं। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री अपनी माँ के चरणों में जाकर बैठता है, माँ के साथ खाता है, माँ के साथ उठता बैठता है, और ये संदेश देना चाहता है कि माँ सर्वोपरि होती है, और एक तरफ उन्हीं की पार्टी का एक लफंगा, एक ऐसा विधायक जिसको इस बात की मर्यादा नहीं है कि दूसरे की माँ उसके लिए क्या महत्व रखती है, ये उसको नहीं पता है। आपको नहीं लगता है कि, क्योंकि इससे पहले, ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा वीडियो उनका वायरल हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनके चलते वो सुर्खियों में रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि पहले ही उन पर ऐसी कोई कार्रवाई हो जानी चाहिए थी जिसके बाद उनकी आज ऐसे वीडियो ना जारी करने की हिम्मत होती या पहले से कुछ बड़ा कदम उठाया जाता? देखिए क्या है कि जब उत्तराखंड को इन्होंने गाली दी थी और पूरे देश में बवाल हुआ था और इनको पार्टी से निष्कासित किया गया था, उसके बाद पता नहीं कौन सी राजनीतिक मजबूरियां इस भारतीय जनता पार्टी की है जो इस पापी व्यक्ति को बोझ के तौर पर ढूंढती है और दोबारा उन्होंने पार्टी में शामिल कराया। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आप ही के चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था कि ज्वाइन करने के बाद फिर बंदूकें निकालकर, गाड़ी का ऊपर का शीशा खोलकर हूटर बजाते हुए इन्होंने पूरे शहर के अंदर रैली निकाली थी और फिर दबंगई दिखाई थी। उसके बाद इन्होंने फिर एक बार गोलीबाजी की, उसके बाद फिर इन्होंने लोगों को धमकाया। चलिए उमेश कुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण जी बहुत स्वागत है एबीपी गगा में आपका। वीडियो आपने देखा होगा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का, जिसमें वो उमेश कुमार की जो परिवार है उनके लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? करण जी आपका आवाज आ रही है? हेलो, हाँ करण जी आप क्या मुझे सुन पा रहे? हाँ आप सुनाई दे रहा है जी। सर ये वीडियो आपके संज्ञान में भी आया होगा, आपने देखा होगा किस तरीके से आप शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बकायदा वीडियो बनाया जा रहा है और वीडियो बनाकर किसी नेता की माँ के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर आप? निश्चित ही ये पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार वो पिस्टल्स दिखाते हुए डांस करते हुए दिखाई देते हैं, कभी वो पहाड़ के लोगों को ललकारते हैं, कभी कुछ करते हैं, ये उनका पुराना आदत है। और बीजेपी में सभी लोग लगभग ऐसे ही हैं, कोई मंत्री सड़कों में पीट रहा है, कोई मंत्री पीटते हुए लोगों को देख रहा है, कोई उनका पूर्व विधायक लोगों को धमकी देता है, ये बीजेपी का अंदरूनी कल्चर है। और ये जब जब ताकत में रहते हैं ये लोग जो है, थोड़ा सा इनको कुछ हो जाता है मुझे ऐसा लगता है, और उसी की ये बानगी। और चैंपियन तो हमेशा इस तरीके की चीजें करते रहे हैं पहले भी, लेकिन कभी भी किसी भी सरकार ने कोई उनके ऊपर एक्शन लेने से बचती रही है। आदरणीय बगुना जी के घर में गोली भी चला दी थी एक बार पहले, तो ये सारे चीजें ऐसी हैं जो हमेशा होती रही हैं, और निश्चित ही इन चीज में कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए जी। सर जब भी इनका ऐसा वीडियो आया है, जब भी ऐसे कुछ काम इन्होंने किए, तो पार्टी की तरफ से तो कदम उठाए गए, इन्हें निष्कासित भी किया गया कई बार इन्हें निर्देश भी दिए गए, लेकिन बावजूद इसके ये सुधरे नहीं, क्या लगता है आपको, क्या किसी की सह मिल रही है, किसकी सह के चलते ये ऐसे कदम उठा रहे हैं बार बार? किसी ना किसी की सह तो होगी, नहीं तो इतने बार अपमानित होना, इतने बार माफी मांगना और उसके बाद फिर से पुनरावृत्ति उस चीज की करना, ये संभव नहीं है, ये बिना किसी की सह के संभव नहीं है। और मेरे को लगता है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देखना चाहिए, लगातार उनके नेता इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो ये तो बीजेपी ही कुछ कर सकती है, क्योंकि हमारी पार्टी का मामला होता तो मैं कुछ कहता, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन सरकार देखे। क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर उमेश कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी बताया कि कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ऐसा वीडियो जारी करके उन्होंने वीडियो बना के बकायदा माँ को गाली दी, आप सोचिए परिवार तक वो चले गए हैं, आपको क्या लगता है क्या कदम उठाना चाहिए पार्टी को, या फिर क्या कदम उठाना चाहिए और कानून को ऐसे वीडियो पर? देखिए उमेश कुमार जी इसमें चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता नेतृत्व कर रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित ही उनका अपमान माँ किसी की भी है, किसी की माँ के लिए कोई भी अपशब्द है।
जी कल कह रहा था कि हरिद्वार से आगे इंतजाम किया जाएगा, उसके बाद जब हम लोग भिड़े तो फिर उसके बाद फिर बैकफुट में आ गए। तो इनकी आदत है पटबुलेपन की, इस तरीके की हरकतों की। तो देखें अब उमेश जी क्या कहते हैं, अपने विशेष अधिकार हनन में भी इस मामले को ला सकते हैं और मुख्यमंत्री को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। जी जी उमेश कुमार जी बोल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मर्यादा के चलते वो उन्हें ऐसा जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई वो जरूर चाहते हैं इस पूरे मामले पर हो। क्या कांग्रेस इसमें साथ देगी उनका? देखिए कांग्रेस हर कानूनी मामले में जहां कानून टूटता है उसमें मुखर रहती है, हम किसी के साथ या विपक्ष में नहीं है। जो गलत है उसके खिलाफ हम ये गलत है कहेंगे और अगर सही है तो हम सही कहेंगे। यहाँ पर कोई साफ साफ दिखाई दे रहा गलत कौन है। मैं खुल के कह रहा हूँ कि अगर चैंपियन के खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी हो सरकार को प्रशासन को देखना है कि इसमें कानूनी पक्ष बनता है नहीं बनता, और निश्चित ही जो मर्यादा है उसको तोड़ा गया, इसको संगठन को संज्ञान देना चाहिए। उमेश जी क्या कहेंगे, आप सुन रहे हैं करण महाराज जी को, उन्होंने कहा है कि जो वीडियो है वो गलत है लेकिन आगे कुछ भी होगा तो वो आपके साथ है इस पूरे मामले में। जो तजुर्बा है वो बहुत लंबा है, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि इसको विशेषाधिकार हनन में लाना चाहिए, इसके अलावा कानूनी प्रक्रिया जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ये वाकई में चूंकि जिस तरह वो खुलेआम मेरी माँ को गाली दे रहे हैं, इसके अलावा मुझे कह रहे हैं कि मैं युवाओं को रोक नहीं पाऊंगा, रोक कर ठोक देंगे, तो ये सरेआम धमकी है एक विधायक को उतारकर जान, गाड़ी से उतारकर जान से मारने की। तो ये मुकदमा तो बनता ही है इनके ऊपर, और सबसे बड़ी बात यहाँ मुकदमे की भी नहीं है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, माँ किसी की भी हो वो माँ होती है। आप कैसे, मैंने फिर सबसे बड़ी बात कही कि जो इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, जो देश के सर्वोपरि हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी माँ के चरणों में जाकर बैठते हैं, अपनी माँ के समय समय पर वीडियो डालते हैं, उनकी अपनी माँ के प्रति क्या श्रद्धा है वो इस बात को दर्शाते हैं ताकि देश उससे कुछ सीखे। वहीं पर उन्हीं का पार्टी का व्यक्ति एक दूसरी की माँ का अपमान करता है। इस पार्टी को सोचना चाहिए, इस पूरी पार्टी को ये सोचना चाहिए, क्या ये लोगों की माँ बहनों का अपमान करवाने के लिए इस व्यक्ति को पार्टी में रखा है? जो व्यक्ति अब महिलाओं को अपने कार्यालय में नाच करवाता हो, जो नंगे कपड़े उतारकर कहीं भी डांस करने लग जाता हो, जो व्यक्ति उत्तराखंड को माँ की गाली देता हो, उत्तराखंड का अपमान करता हो, वो व्यक्ति देवभूमि में रहने लायक नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, इस व्यक्ति को पार्टी से निकालकर बाहर फेंकना चाहिए। ये शय पूरी सरकार की दी हुई है, ये व्यक्ति का जो बड़बोलापन है इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इसको शय है, इसलिए ये व्यक्ति इतना उछल उछल कर लोगों का अपमान करता है, गोली चलाता है, किसी को भी कुछ भी कह देता है। लेकिन उमेश कुमार जी कई बार तो पार्टी इन पर कार्रवाई कर भी चुकी है, कई बार इन्हें निष्कासित भी किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके ऐसे वीडियो बार बार सामने आ रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि कोई और ठोस कदम उठाना चाहिए जिसके बाद ऐसे जो वीडियोज हैं, ऐसी जो बार बार ऐसी चीजें सामने आती है उस पर रोक लगाई जा सके? मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस व्यक्ति को पार्टी से निकालने के बाद ऐसी कौन सी मजबूरियां इस पार्टी की हैं, जिसके ऐसा कौन सा वोट बैंक इस व्यक्ति के पीछे है जिसके चलते पार्टी इसको बार बार वापस लेती है, उसके बाद ये व्यक्ति फिर वही कृत्य करता है, फिर अपमान करता है, गोली चलाता है, गालीबाजी करता है। उमेश जी आप बीजेपी की बात कर रहे थे, करण महाराज जी ने भी जिक्र किया बीजेपी का, खुद बीजेपी विधायक खजान दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में आपका। वीडियो वायरल हो रहा है कुमार प्रणव सिंह चैंपियन का, जिसमें वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उमेश कुमार की माँ के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे पहले इस वीडियो पर आपका, क्योंकि कांग्रेस ने भी आप पर निशाना साधा है कि बार बार ऐसे वीडियो आते हैं लेकिन बावजूद आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती ऐसे मामलों पर? देखिए जी जी सर आप ठीक है जाएंगे वापस से जुड़ेंगे, एक बार तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट गया है। उमेश कुमार जी क्योंकि बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि पार्टियों की तरफ से एक लिमिट यहां पर सेट कर देनी चाहिए नेताओं के लिए, विधायकों के लिए, क्योंकि कई बार ना सिर्फ भाजपा की तरफ से लेकिन कई बार ऐसी और भी पार्टियों की तरफ से वीडियो सामने आए हैं जिसमें जो नेता है विधायक के बहुत सारी चीजें करते हुए नजर आते हैं जो दिखाने लायक नहीं होती है, बोलने लायक नहीं होती है? आपको नहीं लगता है कि तमाम पार्टियों की तरफ से लिमिट सेट करनी चाहिए जिससे जो विधायक हैं जो नेता हैं वो भी सतर्क रहें? देखिए क्या है कि सभी पार्टियों ने कहीं ना कहीं
अपने विधायकों को, अपने पार्टी के नेताओं को एक गाइडलाइन तो जारी की हुई है कि आपको मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना है, आपको सार्वजनिक मंचों पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन क्या है कि कुछ बड़बोले नेता होते हैं, कुछ लोग घमंडी इतने होते हैं कि उनको ये सब गाइडलाइन कहीं उनके लिए मैटर नहीं करती और इनकी सार्वजनिक तौर पर वो धज्जियां उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। जब तक पार्टी कोई बड़े कड़े निर्णय लेकर कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगी तब तक नेता सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि एक मानक तो हमें तय करने होंगे और मानक जब ही तय होते हैं जब आप बड़ी कार्रवाई करते हैं, और बड़ी कार्रवाई किसी मुझे लगता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में दम है करने का अपने इस बड़बोले नेता के खिलाफ। इस व्यक्ति ने उत्तराखंड का क्या अपमान किया था पूरा देश जानता है, देवभूमि के लिए इसने क्या बोला था पूरा देश जानता है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस पापी को अपनी पीठ पर लाद कर जी उत्तराखंड में घूम रही है। बिल्कुल, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से भी हम यहाँ पे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी इस वीडियो के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ बहाना बनाकर अभी सामने नहीं आ रहे हैं, अपनी बात नहीं रख रहे हैं। चलिए वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी विधायक खजान दास जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, सर क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो पर आपका, क्योंकि उमेश कुमार जी ने भी ये कहा है और करण महाराज जी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी, उनका कहना है कि बीजेपी के तमाम विधायक है बार बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई उन पर नहीं हो पाती है, सर क्यों? सर आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए लगता है वापस से तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट गया है। उमेश कुमार जी, क्योंकि देखिए आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया है कि जब हम सामने कुछ नहीं मोल पाते हैं तो सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा ट्विटर के माध्यम से लोगों को अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जैसे हमने ये वीडियो देखा ये भी सोशल मीडिया पर आया है। सर क्या लगता है आपको, सोशल मीडिया पर भी ध्यान देना चाहिए पार्टियों की तरफ से, विशेष तौर पर जो नेता होते हैं मंत्री होते हैं उनके ट्विटर हैंडल्स या फिर उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है? और अगर ऐसी कोई चीज जब वायरल होती है, ऐसी चीज कोई अपलोड की जाती है तो उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए? देखिए क्या है कि अधिकतर बड़े नेताओं के सोशल मीडिया हैंडल जो हैं उनकी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति उनकी टीम में, आईटी में, या उन्होंने का पीआरओ पीएस होता है जो उनके रोजमर्रा के बयान या वीडियोस डालता है। मुझे नहीं लगता देश में, मुझे लगता 1% नेता ऐसे होंगे जो विधायक स्तर पे या विधायक स्तर से ऊपर के नेता होंगे जो अपने हैंडल्स को, अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स को स्वयं हैंडल करते होंगे। तो आप भी समझते हैं कहीं ना कहीं लोगों से चूक हो जाती है कि उन्हें किन्हें रखना और किन्हें नहीं रखना। तो जो लोग हैं वो ये देखते हैं कि क्या चीज सनसनीखेज हो रही है, किस चीज से सनसनी पैदा होगी, किससे रीच बढ़ेगी, कैसे वो चीज वायरल होगी, वो लोग सारी मर्यादाएं अक्सर भूल जाते हैं और बचपने में इस तरीके की हरकतें करते हैं। बिल्कुल, तो मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को रखना चाहिए, उमेश कुमार जी कह रहे हैं। और जरूर हम चाहेंगे कि अगर आप कोई भी आगे कदम उठाते हैं तो उसमें जायज कार्रवाई हो। उमेश कुमार जी बहुत धन्यवाद आपका एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए, और करण महाराज जी आपका भी बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।